हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कुलदीप राठौर ने कहा कि अगर कोरोना महामारी नहीं होती तो बीजेपी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती। इस दौरान कुलदीप राठौर ने जीएस बाली और राजन सुशांत के दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में तीसरे व चौथे विकल्प को कांग्रेस पार्टी नहीं मानती है। वहीं कुलदीप राठौर ने शहीदों को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही शहीदों के परिजनों की हर संभव मदद की है, लेकिन बीजेपी सरकार शहीदों के परिजनों को अपेक्षित मदद करने में असफल सिद्ध हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर आज हमीरपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान कुलदीप राठौर ने जिला हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा, बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार व दर्जनों कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कुलदीप राठौर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना महामारी नहीं होती तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती। वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने जीएस बाली और राजन सुशांत के दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में तीसरे व चौथे विकल्प को कांग्रेस पार्टी नहीं मानती। कांग्रेस पार्टी को हिमाचल में मजबूत करना मेरा उद्देश्य है। कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा शहीद सैनिकों के परिजनों की हर संभव मदद मुहैया करवाई है, लेकिन बीजेपी ने शहीद सैनिकों के परिजनों को अपेक्षित मदद करवाने में असफल सिद्ध हुई है। वहीं कुलदीप राठौर ने युवा कांग्रेस के प्रवेश शुल्क को लेकर कहा कि पार्टी ने बहुत कम निःशुल्क तय किया है, जो हर कोई युवा आसानी से अदा कर सकता है। एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय प्रतिनिधि सुनील कोल्डी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण संगठन से निष्कासित किया गया है। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष अभिनंदन ठाकुर टोनी ने ये कार्रवाई की है। सुनील एनएसयूआई में रहते हुए कांग्रेस विरोधी गतिविधियां कर रहे थे। जिलाध्यक्ष ने बताया कि उन पर पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री से भी सांठगांठ के आरोप हैं। उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायतें लगातार एनएसयूआई के शीर्ष नेतृत्व को मिल रही थी। कुछ माह पहले उनकी अग्निहोत्री के साथ नादौन गेस्ट हाउस में बैठक की तस्वीरें भी वायरल हो चुकी हैं। वे नादौन में कांग्रेस को मजबूत करने के बजाय नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे। पार्टी के खिलाफ उन्होंने अनेक टिप्पणियां की हुई हैं। आरोप है कि वे बीते एक वर्ष से अग्निहोत्री के साथ मिलकर कांग्रेस विरोधी अभियान चला रहे थे। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नाम का भी गोल्डी ने कई बार दुरुपयोग किया। जिलाध्यक्ष अभिनंदन ठाकुर टोनी ने बताया कि उनके पार्टी विरोधी कामों की अनेक शिकायतें सबूतों के साथ प्राप्त हुई हैं। उन्हें कई बार चेतावनी भी दी गई, लेकिन वे सुधरे नहीं। भाजपा नेताओं की शह पर उनका कांग्रेस विरोधी एजेंडा जारी रहा। उन्होंने एनएसयूआई से निष्कासित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी को गोल्डी के निष्कासन की सूचना भेज दी है। संगठन में पूरी निष्ठा से काम करने वाले जुझारू कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। जिला मंडी में हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्कर यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा सीटू के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सरकार पर मिड डे मील वर्कर्स की अनदेखी करने का आरोप लगाया, तो वहीं यूनियन की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। वहीं यूनियन की मांगों के बारे में जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्कर यूनियन मंडी के जिला प्रभारी गुरदास वर्मा ने कहा कि जिला मंडी के स्कूल में यूनियन की कार्यकर्ताओं को ही मल्टीटास्क वर्कर्स के रूप में नियुक्त किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा वर्कर यूनियन के वेतन में अप्रैल 2020 से 300 रुपए की बढ़ोतरी का फैसला लिया गया था, लेकिन अभी तक इस बढ़ोतरी को लागू नहीं किया गया है।